खेसारी की पत्नी ने काजल राघवानी को क्यों लताड़ा। जी हाँ, ये खबर आप जो सुन रहे हैं इसे पूरा सुन लीजिए और फिर आकलन कीजिए। ऐसी खबरें मीडिया में कई बार उड़ती रहती हैं। काजल राघवानी और भाईचंदा यादव में जरा भी नहीं पड़ती। ये दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाती, लेकिन खेसारी एक ऐसी कड़ी है जो दोनों में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ऑन स्क्रीन भाई काजल राघवानी खेसारी के दिल की धड़कन है। तो इस दिल में अगर कोई रहता है ऑफ स्क्रीन तो वो कोई और नहीं, चंदा यादव है। अक्षरा सिंह और काजल राघवानी दोनों से तकलीफ है, लेकिन काजल राघवानी से कुछ ज़्यादा ही है। जी हाँ, लोग कहते हैं इन दोनों में दुश्मनी तो इस कदर है कि ये दोनों एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहती। कई ऐसी शूटिंग स्पॉट है जब चंदा यादव खेसारी लाल यादव के शूटिंग स्पॉट पर गई हैं। अगर उस शूटिंग स्पॉट पर उस वक्त काजल राघवानी रहती हैं तो चंदा यादव अवॉइड करती हैं कि वो ना जाए। एक ऐसी ही फिल्म आई थी काजल और खेसारी की, और इस फिल्म में खेसारी की बेटी कृति यादव भी थी। फिल्म का नाम तो याद होगा आपको, नहीं याद है तो हम बता देते हैं, दुल्हन चाही गंगा पार के। इस फिल्म ने भाई बड़ा ही बज़ क्रिएट किया था। इस फिल्म में जिसने भी कृति की एक्टिंग देखी सभी कहने लगे कि अपने पिता के नक्शे कदम पे चलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि कृति के जब ये शूटिंग चल रही थी मुंबई में, तब उनके साथ उनकी माँ हमेशा वहाँ पर मौजूद रहा करती थी। और तो और कृति और काजल राघवानी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। कृति अपनी मम्मी के सामने लगातार काजल राघवानी की बड़ाई करती जाती, जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं भाता। और तो और काजल राघवानी की तो आदत ही है कि वो बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। वैसे भी काजल राघवानी को बच्चे बहुत पसंद हैं, और यही बात नागवार गुजर रही थी चंदा यादव को। उनकी बेटी क्यों इस तरह से काजल राघवानी की तारीफ कर रही है। कहा जाता है कि दुल्हन गंगा पार के सेट पर चंदा यादव और काजल राघवानी में जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बीच बचाव के लिए खेसारी लाल यादव को आना पड़ा। और तो और खेसारी लाल यादव ने दोनों को समझा बुझा कर अलग किया, और फिर उन्होंने अपनी इस फिल्म की शूटिंग जल्दी जल्दी कंप्लीट की ताकि आगे चलकर कोई भी और बखेड़ा ना खड़ा हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।